उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मणिपुर में अज्ञात सशस्त्र व्यक्तियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जनपद चंद्रौली निवासी असल राइफल के जवान आलोक राव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने तथा जनपद की एक सड़क का नामांकन शहीद आलोक राव के नाम पर करने की भी घोषणा की है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्हें पराजय का धनी करार दिया है। गुरुवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पराजय के धनी सपा बहादुर अखिलेश यादव की पार्टी सपा को विधान परिषद उपचुनाव में प्रत्याशी उतार कर नगरीय निकाय चुनाव में करारी शिकस्त के बाद एक और सुनिश्चित पराजय के लिए अग्रिम बधाई। बता दें कि सपा ने प्रदेश को 2 विधान परिषद सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब हार जीत का फैसला मतदान से होगा। हालांकि चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में अपनी ननिहाल में आए 9 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मामले की खुलासा करते हुए एक किशोर को पकड़ा है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि किशोर ने 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए वारदात को अंजाम दिया। मामला जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के सैबसी गांव का है। यूपी निकाय चुनाव में करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों की बैठक की। उन्होंने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा का अभियान गांव-गांव में तेजी के साथ चलाया जाए। स्टेट कमेटी और सभी 18 मंडलों में जिलों के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए मायावती ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मिशनरी लक्ष्य के साथ लगन से जुट जाना है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक भावुक वीडियो सामने आया। यहां अपनी फरियाद लेकर डीएम कार्यालय में पहुंची 77 वर्षीय वृद्धा के प्रार्थना पत्र पर मेरी प्यारी डीएम बिटिया पढ़कर जिलाधिकारी नेहा जैन भावुक हो गई और वृद्धा को गले लगा लिया। साथ ही अधिष्ठानों को तत्काल उनकी फरियाद पर जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उधर इस भावुक लम्हों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के प्राचीन गिलहराज जी हनुमान मंदिर अब मुस्लिम समाज के लोगों के प्रवेश बंद हो गए हैं। मंदिर के महंत ने इसके लिए सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। मंदिर के बाहर एक लिखित सूचना भी लगा दिया है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मंदिर में मुस्लिमों को प्रवेश वर्जित है। महाराष्ट्र में हुई घटना के बाद अलीगढ़ में भी संत समाज के लोग अलर्ट हो गए हैं। इसके बाद ही मंदिर के महंत योगी कैलाश नाथ की ओर से यह फरमान जारी किया गया है। 24 घंटे पहले मुजफ्फरनगर के बालाजी मंदिर में नया ड्रेस कोड जारी हुआ था। इसमें मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटीफटी जींस पहनकर आने वाले भक्तों को एंट्री नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहर की 2 बैंकों के शाखा प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों शाखा प्रबंधकों पर आरोप है कि उन्होंने आरबीआई के करेंसी चेस्ट में नकली नोट जमा कराए हैं। उधर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर लालगंज थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दरिंदगी हुई है। आरोपी के दरिंदों ने पहले चाकू की नोक पर किशोरी से दुष्कर्म किया, फिर किसी को बताने पर उसको और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने की धमकी दी है। इससे किशोरी डर गई है और अपने साथ हुई घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पिटबुल डॉग ने 9 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया है। बच्चे के चेहरे, पीठ और जांघ का घाव है। जांघ का मांस ही नोच लिया गया है। ये मामला खरखोदा इलाके के गांव नढ़ेड़ा का है। ये पिटबुल डॉग आवारा बताया जा रहा है। इसमें मालिक ने कुत्ते के खूंखार होने पर उसको छोड़ दिया। गुरुवार को घर के बाहर खेल रहे 9 वर्षीय बच्चे पर पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया। बच्चे का शोर सुनकर ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े तो कुत्ता वहां से भाग गया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान में पढ़ाई कर रहे 2 छात्र दीपेंद्र सिंह और विकास मौर्य गंगा नदी में नहाते हुए समय डूब गए। दोनों बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र थे। सुबह दोनों दोस्तों के साथ प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास गंगा में नहाने उतरे थे। अचानक नहाते समय पैर फिसल गया और दोनों छात्र गहरे पानी में समा गए।